कैसा लगा बताओ? गुदगुदी हो रही है? हाँ। और करवाओगे बाद में आके? बाद में भी करवाओगे? अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मसाज करवाए थे। हाँ। अच्छा लगा। डेट सिल बोर्ड फर्स्ट टाइम करवाया था? फर्स्ट टाइम था। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ। हल्का गुदगुदी फील होता है स्टार्टिंग में, थोड़ा डर लगता है, लगता है कि मछलियां पैर में मछलियां कुछ हो सके, मे बी डैमेज कर दे। फर्स्ट टाइम था जिसका ऐसा लगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के 45 सेकंड्स कुछ फील होता है, उसके बाद आराम से अच्छा रिलीफ होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। दशहरे का मौका था और काम कर कर के थक गया, तो भाई साहब आज मैं आया हूं मसाज करवाने के लिए नुपुर जी की मसाज सेंटर में। नुपुर जी, क्या करवाती हैं आप, कैसे करवाती हैं? और मैं आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा मसाज करवाना है। हमारे पास यहाँ पे फिश स्पा के लिए है और चेयर मसाज है, वे यू हैव गेट लाइक फुल बॉडी मसाज। सो जनरली क्या होता है कि आपके पास कुछ करने के लिए आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो वो जो हमारा चेयर बॉडी मसाज है दैट वर्क्स फॉर 15 मिनट्स एंड इट गिव्स अ फुल बॉडी मसाज। एंड ये जो फिश स्पा है ये पटना के लिए बहुत नया है। सो इसमें क्या है कि आपको 15 मिनट का टाइम है, आप फिश मसाज कराओ। तो इसमें ये मछलियाँ मैं करवाता हूँ, चलिए। हाँ, अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। पहली बार मैं करवाने जा रहा हूँ फिश मसाज। पैर रख दूँ डायरेक्ट? हाँ यार, काटेंगी तो नहीं मछलियाँ? बिल्कुल नहीं। चलिए ओके, एक सेकंड मैं जींस फोल्ड कर लेता हूँ। देखिए, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह का मसाज करवा रहा हूँ और पटना में अब ये अवेलेबल है। नुपुर जी, कहाँ से आइडिया आया आपको कि इस तरह के सेंटर खोलने हैं पटना में? क्या आप पहले ही इस तरह के बिजनेस से जुड़ी हुई थी? नहीं, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट था। लाइक यू नो, हमेशा से मेरे को ये था कि मेरे को पटना में कुछ नया लेके आना है जो बहुत डिफरेंट है। हाँ। और यहाँ के लोग एक्सपीरियंस नहीं किए। हाँ। तो एक बार मैं मलेशिया में ये कंसेप्ट देखा था फिश स्पा का, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा एंड मेरे को पटना में ऑन द गो, लाइक बेसिकली इट्स अ रिलैक्सेशन ऑन द गो वाज माय कोट, वेयर लाइक पीपल जो लोग आ रहे हैं वो लोग मतलब उनको कुछ चाहिए डिफरेंट चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉपिंग एंड फूड। तो मेरा बेसिक कंसेप्ट था, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन ऑन द गो। तो ये वहाँ से मैं लेकर लाइक कंसेप्ट लाई पटना में, नया कुछ स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। ये फिश कहाँ से? मलेशिया से? ये मलेशियन फिश है सारे। और इसका रख रखाव कैसे करती हैं इन मछलियों का? ये पूरा मॉर्निंग में क्लीन होता है, इवनिंग में क्लीन होता है, ऑटो फिल्टर्स है इसमें। हाँ। लगे हुए इसके फूड्स हैं स्पेशली एंड बहुत ही दिस फिशेज आर वेरी डेलिकेट, तो इसको हमें बहुत केयर से मतलब करना पड़ता है एंड ये फिशेज चेंज होती रहती है रेगुलर इंटरवल्स पे। पहली बार मैं इस तरह का मसाज करवा रहा हूँ पटना में, फिश मसाज। दशहरे में काम करके थक गया, थोड़ा आज थोड़ा फुर्सत मिला तो मैं आया मसाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी एक तरह से लिहाज से कहें तो काम ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, गुदगुदी हो रही है पैरों में। सारी जो मछलियाँ ना, छोटी हों बड़ी हों, मेरे पैरों में गुदगुदी कर रही, अच्छा लग रहा है। पूरे पैर में एक तरह से कह सकते हैं रिलैक्स हो रहा है। नुपुर जी, एक और अहम सवाल, आपने कहा कि 2.5 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की, कैसा रिस्पांस रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा, मतलब जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ये रिस्पांस मिलेगा, बट मेरे को बहुत लोगों ने स्पेशली पिंग भी किया एंड कॉल करके भी बोला ये बात कि ऐसा कुछ हम लोगों ने नया एक्सपीरियंस नहीं किया था, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड पीपल वॉन्ट टू कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज ये इट्स गिव यू माइट बी फीलिंग, आपको एक माइक्रो मसाज मिल रहा होगा आपके लेग्स पे एंड आप जब रात में सो गए ना तब आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट रियलाइज होगा दैट यू आर स्लीपिंग, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। अच्छा। तो दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, दिस गिव्स यू अ वेरी माइन्यूट माइक्रो मसाज, तो वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो एंड इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो इट एक्चुअली यू नो इट्स लाइक इट्स क्रिएट अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव हार्मोन्स इनसाइड जिससे आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। जब मैं इसके बारे में पता कर रहा था तो मुझे गूगल पे मिला कि ये डेड सेल को भी खाती है। ये डेड सेल्स खाती है, ये आपके जितने डेड सेल्स हैं ये सब खा लेंगे। और एक सवाल ये भी आ रहा है कि पटना में आपका यही सेंटर है या और भी है? नहीं, हमारा दो सेंटर है, एक सेंट्रल में और एक पीएनएम मॉल में, थर्ड फ्लोर आउटसाइड फूड कोर्ट। तो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, मैं मसाज करवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ओवरऑल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम करवाया, अच्छा रहा। अब मैं इसे टिश्यू पेपर से अपने पैरों को साफ करूंगा, रात में और अच्छा लगेगा। हाँ, रात में आपको ये बहुत रिलैक्स फील होगा बिकॉज इट अभी जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मूव हुआ, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ माइक्रो मसाज। ओके, तो यू ऑल यू फील वेरी बेटर बिकॉज आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा बेटर हो जाता है बॉडी से ऑल।
तो मैंने अपना फुट मसाज जो है वो करवा लिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो इसके फ़ायदे हैं और इसके बेनिफिट हैं, सबसे बड़ी बात है कि नूपुर जी बता रही हैं कि रात में आपको और अच्छा फील होगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये नेचुरल है। हाँ, और भी मसाज होते हैं वो नेचुरल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नेचुरल है, टोटली नेचुरल, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। हाँ, वी टेक टाइम टू टाइम कंसल्टेंट आल्सो फ्रॉम द डॉक्टर्स। मेनी डॉक्टर्स फ्रॉम पटना हैज एक्चुअली रिटन इन देयर व्यूज दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एंड मतलब समथिंग व्हिच एड्स अ पॉजिटिविटी टू योर ब्रेन एंड यू फील वेरी फ्रेश एंड वाइब्रेंट लाइक एट द एंड ऑफ द डे। आपको अच्छा लगता है। कितना करवाना चाहिए हफ्ते में, अगर एक दो बार करवाएं तो? हफ्ते में भी मतलब एक दो बार भी करवा सकते हैं आप, 15 दिन में भी करवा सकते हैं। मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन अ पर्सन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक हम लोग जैसे वर्किंग है, समबडी इज देयर सो दे वांट समथिंग कि उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो लोग जनरली वीकली आते हैं, करके जाते हैं। एंड मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस वॉज ऑन द गो, मतलब कि सपोज आपका एक ऑफिस में लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है, तो यू कैन ईजली कम हियर 15 मिनट के लिए एंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है आपका ओवरऑल मूड। आप पटना की रहने वाली हैं? मतलब मैं बाहर पढ़ती थी, दो मैं क्वालिफिकेशन प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट हमेशा मेरे को लगता है कि वेर यू आर बॉर्न एंड बॉटम यू शुड ऑलवेज ब्रिंग समथिंग न्यू टू दैट प्लेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA और इस तरह का बिजनेस जब शुरुआती दौर में आपने अपने घर में कहा होगा तो जरूर डांट खत पड़ी होगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब एवरीबडी अप्रिशिएटेड दिस कि आई हैव अ न्यू कंसेप्ट एंड आई थिंक माय फादर एंड माय मदर बोथ ऑफ देम सपोर्टेड मी अ लॉट ऑन दिस। उनका ये था कि कुछ नया कंसेप्ट है एंड आई थिंक जो हमारी ग्रोथ होती है स्पेशली फ्रॉम द बिहार, इट्स ऑलवेज सेड दैट कि कुछ अपने स्टेट के लिए नया करो, तो आई ऑलवेज हैड दिस कंसेप्ट व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, सो आई रियली फील गुड कि मैंने कुछ लाया यहाँ पे नया लाया। और मुझे अब फील हो रहा है कि मैंने मसाज करवाया था, अब और अच्छा लग रहा है। और नूपुर से एक सवाल है कि आपने मतलब कि आपके फैमिली वालों ने आपको कहा कि अप्रिशिएट किया, दोस्तों ने क्या कहा था, क्योंकि इस तरह का बिजनेस थोड़ा अजीब पटना के लोगों के लिए थोड़ा ये नहीं था। आई थिंक मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। आई थिंक मतलब लोगों का ये था कि पटना में कुछ नया आना चाहिए था, और ये जो मैं लेकर आई तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज को देखा था, स्पेशली कम फॉर द एंजॉयमेंट। उनको पहले ऐसे कुछ था नहीं, मतलब या तो आप मूवी चले जाओ या आप कहीं खाने चले जाओ या शॉपिंग चले जाओ, तो कुछ लोग ऐसे जैसे अब मैं फैमिली के साथ आ सकती हूँ, आई टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर मुझे शॉपिंग करना है तो आई कैन ब्रिंग माय पेरेंट्स एंड आई कैन टेल देम कि आप रिलैक्स करो और मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। अभी भी लोग आते होंगे, गुजरते होंगे, बोले ये क्या हो रहा है। आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे आपने देखा ये बच्चे के लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस था, अपने स्कूल में बताने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए, सो ऑल दीज ओवरऑल एक्सपीरियंस आर लॉट। चलिए नूपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा फुट मसाज भी करवाया और एक अच्छी, इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत की है बिहार के की राजधानी पटना में, और इस तरह का स्पा खोला है फुट मसाज। देखिए ये बच्ची भी अब बैठने जा रही है, फुट मसाज करवाएगी। ये एक बेसिकली पटना के सेंट्रल मॉल के 4th फ्लोर पे स्थित है इनकी शॉप, हैप्पी जोन डॉक्टर फिश स्पा के नाम से। और जो भी यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं और ये घूम के देख लेना, तो एक बार आपको देखिए, फिर से देखिए, मछलियाँ जो है पैरों पर एक तरह से रेंगते हुए गुदगुदी सी होती है। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो दिखाने और बताने का मकसद यह था, कुछ नया मुझे लगा कि पटना में हो रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।